अलीगढ़ की बरची बहादुर दरगाह के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। एक दुकानदार अंकल हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में या अलीगढ़ में इस बार वो किसे जिता रहे हैं। अंकल, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार सरकार का जो अल्लाह है ये इस वक्त जो चल रहा है वो सपा का है। तो क्या कुछ कमियां रह गई सरकार में? आज कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। अंकल, क्या लगता है इस बार यूपी में कौन जीतने वाला है? चुनाव है, अखिलेश जीतेगा। अखिलेश जीतेंगे, क्यों जीतेंगे अंकल? ये झूठी पार्टी है। क्यों? वादे करे कुछ नहीं करा, जनता को भूखे मार दिए। दावा तो बीजेपी भी लगातार यही कर रही है कि उन्होंने विकास किया है यूपी में। क्या विकास किया है? कुछ गिनती कराएं अपनी, कुछ गिनती कराएं। सुबह मस्जिद और मंदिर को लेके, हिंदू मुसलमान को लेके, और कोई उनके पास अल्फाज है बोलने के लिए? कोई सा नहीं है। यहाँ की तो ज्यादातर मतलब सभी जनता जो है वो सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, मैं तो मोदी की सरकार में, मेरी वोट जो जाएगी मोदी को जाएगी। तो मोदी सरकार तो आएगी, जब आएगी, जब मोदी सरकार के खिलाफ सबरे मुसलमान सबरे मोदी खिलाफ हैं तो कैसे आ जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूँ आपके साथ निशा लखवाल। यूपी में चुनाव है, उसी चुनाव में जनता की क्या राय है ये जानने के लिए आज TNB की टीम उतर चुकी है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यूपी में चुनाव है, सियासत गरमाए ना, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी चुनाव होते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अहम मुद्दा बनकर सामने आती है। ये मुद्दा जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, ये काफ़ी समय से जो है वो चला आ रहा है। विषय मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर। इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 10 फरवरी को से मतदान शुरू हो जाएगा, 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। इसी के साथ ही अब जो है बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है, टिकट कटने का सिलसिला भी जारी है, टिकट मिलने का सिलसिला भी जारी है, और इसी के साथ ही जो है दल बदल की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसी कड़ी में यूपी के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, एक बार फिर से उन्होंने 20 और 80 की बात को छेड़ दिया है। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि यूपी में जो मुकाबला है वो सीधा 20 और 80 का है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साफ तौर पर 20-80 की बात कही। इसी के साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए ये साफ तौर पर लिखा कि जो 80% है वो चौधरी चरण सिंह और 20% जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के अनुयायी हैं। इसी की तरफ जो इशारा होता है वो साफ तौर पर यही है कि जो यूपी के 80% मुस्लिम हैं उनका वोट कहाँ जाएगा और 20% जो मुस्लिम हैं उनका वोट कहाँ जाएगा। तो अब जो है यूपी में जो है वो राजनीति जो है गरमाई हुई है, सियासत अपने चरम पर है। इसी कड़ी में हम अलीगढ़ में आए हैं, अलीगढ़ की जनता से जानेंगे कि आखिर वो यूपी जो चुनाव होने वाले हैं, जो 10 फरवरी को जो चुनाव शुरू होंगे, 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, उसको लेकर वो अपनी क्या राय रखती है और क्या मतलब उनकी राय है कि वो आगे किसको जीतता हुआ देखना चाहती है, या क्या लग रहा है, समीकरण क्या बन रहे हैं, कौन सी पार्टी जो है किस तरफ ज़्यादा झुकाव लोगों का, किस पार्टी की तरफ ज़्यादा है, ये सभी चीज़ें आज हम अलीगढ़ की जनता से जानेंगे। अलीगढ़ की कुछ जगहों पर आज हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अलीगढ़ की जनता क्या सोचती है। अलीगढ़ की बरची बहादुर दरगाह के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। एक दुकानदार अंकल हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में या अलीगढ़ में इस बार वो किसे जिता रहे हैं। अंकल, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार सरकार का जो अल्लाह है ये इस वक्त जो चल रहा है वो सपा का है। सपा का है जी। तो अभी बीजेपी है फिलहाल, लेकिन बीजेपी भी दावे कर रही है कि इस बार वही, जनता भी कह रही है कि बाबा ही वापस आएंगे। जी नहीं, ये आदमी की भूल है जी। तो क्या कुछ कमियां रह गई सरकार में? आज कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों को परेशानियां हैं। जिसको 5,000-8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है वो अपने बच्चों को गुजर नहीं कर पा रहा है। चेले 170-180 रुपये किलो है, आपका आटा है वो महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियाँ महंगी हैं, आदमी गुजर कहाँ से कर लेगा? आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, उसके लिए नौकरियां नहीं है, आप प्राइवेट में दे रहे हो, क्यों दे रहे हो साहब? यही वजह है और कोई वजह नहीं है। तो इस बार बीजेपी नहीं तो फिर कौन? सपा।
सपा आएगी जी। आपके यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जफर आलम, उनको इस बार जी हाँ दोनों ही कॉल से भी और शहर से भी जी हाँ। तो जैसे क्या कुछ इस बार मुद्दे अगर आप देखें, क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर आप इस बार साइकिल को वोट देंगे? बस महंगाई के मुद्दे हैं सारे, जी हाँ, नौकरी के मुद्दे हैं बस, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है भाई। इनके बाल बच्चे होते, शादीशुदा होते, बच्चों को पढ़ाते लिखाते तब इनको मालूम पड़ती कि गरीबी होती क्या है। मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चों को कैसा पैसा पोषण कर रहा है तो इन्हें तो मालूम ही नहीं है। तो बैठे रहे पैसे में खेल रहे हैं, ये पैसे की सरकार है, पैसों की जी रही है। इनके तो इलेक्शन में पैसा मिल जाता है करोड़पतियों से मिलता है। अभी जैन साहब के यहाँ चावा बड़ा, वो पैसा कहाँ है? सब सरकार के खाते में जाएगा नहीं जाएगा, इनके पेट में जाएगा, कुछ नहीं है। तो अभी कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें भी उन्होंने 20 लाख नौकरी देने का वादा किया है यूपी के युवाओं को। जी हाँ, 8 लाख महिलाएं भी हैं। जी हाँ, दिया था उसमें जी। जी। तो आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है ये काम करेगा? ये देखकर नामुमकिन ही दिखाई देता है। 20 लाख को तो नहीं दे पाएंगे ये, क्योंकि आधी जो हमारी वो है वो तो प्राइवेट में गई, नौकरी कहाँ बची? बची नहीं बची नौकरी, नौकरी का तो मतलब ही नहीं है। हाँ ये है कि 10-5 लाख को नौकरी मिल सकती है अगर सब कांग्रेस आती है तो। हाँ कांग्रेस आती है तो 20 लाख को नहीं मिलेगी, लेकिन वैसे जो दिख रहा है वो अभी सपा ही दिखाई दे रही है। हाँ जी सपा ही दिखाई दे रही है। यूपी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसकी सरकार आने वाली है? अखिलेश सर, अखिलेश की और किसकी? अखिलेश की आने वाली। क्यों क्यों आनी चाहिए? हाँ महंगाई इतनी हो रही है, किसानों का मुद्दा है और हर बेरोजगार सड़कों पर है। अब किसी में अब यहाँ देख लोगे लोग बागों का क्या हाल है। अब कितनी मिनिमम गारंटी कितनी देती है इसकी तुम्हारी रोजगार की? कित 12,000 रुपये कितना है? अब कितना मिल रहा लो पब्लिक को ये बताओ। लेकिन वो तो सीधा बोल रहे हैं कि 20-80 का मुकाबला है। 20-80 का मुकाबला करके तो फिर ये पोलराइज कर रहा है ना वोट को, कन्वर्ट कर रहे हैं वोट इलेक्शन को। भैया क्या लग रहा है यूपी में कौन आने वाला है? अखिलेश है। क्यों क्यों अच्छे काम करेंगे? अच्छा। अरे अखिलेश ने क्या ना करा, ट्री बांटी, मोटरसाइकिल बटी, रैपिड 100 नंबर गाड़ी बटी, एम्बुलेंस बटी, कंप्यूटर बटे, लैपटॉप लड़कियों को स्कूल वालों को सब कुछ दिया था। इसलिए अखिलेश आने चाहिए, अखिलेश के काम बढ़िया हैं, महंगाई भी कम होगी, पब्लिक को भी आराम मिलेगा। भैया क्या लगता है कौन आएगा इस बार? इस बार साइकिल ही आनी चाहिए जी। मोदी ने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं करा जो सारे मजदूर आदमी परेशान हैं। अच्छे काम हुए हैं लेकिन ऐसे अच्छे काम नहीं हुए। अच्छे काम हुए हैं लेकिन फिर भी सपा आएगी। हाँ क्या लगता है कौन सी सरकार बनेगी इस बार यूपी में? अखिलेश की बनेगी। अखिलेश की बनेगी। क्यों बननी चाहिए अखिलेश की सरकार? यूँ बननी चाहिए कि पहले नंबर तो वो गरीबों को हमदर्द है, दूसरा नंबर विकास अच्छा करता है जी। लेकिन दावा तो बीजेपी भी लगातार यही कर रही है कि उन्होंने विकास किया है यूपी में। क्या विकास किया है? कुछ गिनती कराए अपनी, कुछ गिनती कराएं, सिवा मस्जिद और मंदिर को लेके, हिंदू मुसलमान को लेके और कोई उनके पास अल्फाज है बोलने के लिए? कोई सा नहीं है, कोई सा भी नहीं है। क्या काम किया बताइएगा उन्होंने? जीएसटी लगाई, किसके ऊपर लगाई? गरीबों के ऊपर। नोटबंदी में कितना मारा गया आपने कुछ दिखाया? कितना मारा गया, कितने गरीबों की शादियाँ रुक गई, माँ बाप ने खुदकशी की, किसी ने दिखाया नहीं? इन लोगों की बीजेपी वालों की जो है पहले से नोटबंदी बदल गई। क्यों बदल गई? क्यों इनकी सरकार थी इसलिए बदल गई। तो अलीगढ़ में इस वक्त क्या मुद्दे अहम है जिनको रख के आप वोट देंगे? भाई काम काज के लिए जो है देंगे वोट जो है, क्योंकि इनकी सरकार में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है विकास। जगह जगह आप रोड देखिए कितने खराब होने हैं पूरे अलीगढ़ के, कहीं भी देखिएगा गड्ढे सड़क सब, बेरोजगारी बहुत हो गई है। तो इस बार साइकिल चलेगी मतलब? जी जी दौड़ेगी भी जी। क्या लगता है भैया कौन आएगा इस बार? आने तो यही चाहिए सब जो बता रहे हैं जी। अखिलेश इनने गरीबों का भी भला करा और सबका सोचा। ये तो सरकार खाली हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद और यही झगड़ा रखती है आपस में। हमारा देश है एक मिसाल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक होके रहते हैं, पर ये लोग इसमें फूट डाल देते हैं, हमें आपस में ही लड़ा देते हैं भाई भाई को।
बाबा आदम के ज़माने से चला रहा है ये इंसान, और एक दूसरे के बगैर कोई नहीं चल सकता। दो पहिए हैं ये चार मान लो, चारों, एक पहिया अगर चला गया तो कैसे चल जाएगा? एक पहिए को तुम खराब करना चाह रहे हो। अरे सब मिलजुल के रहो, अपने देश का विकास करना है हमें, हमारे देश को अव्वल नंबर पर लाना है। हमारा कोई पाकिस्तान नहीं है ना कुछ है, हमारा हिंदुस्तान है, हम इंडियन है। हम अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, हमारा देश महान बस। लेकिन भैया अगर देखा जाए तो अलीगढ़ में ही मतलब मुस्लिम का मुद्दा इतना क्यों उठता है? मुस्लिम का मुद्दा इसलिए उठता है क्योंकि जो काम अच्छे करता है उसी के लिए मुसलमान तैयार रहता है। अच्छा। तो जो जैसे अभी मैं एक मतलब पूछना चाहूँगी, जैसे अभी जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी वो भी काफ़ी विवादों में रहती है, काफ़ी चीज़ें उसमें हुई थी, तो उसको लेके मतलब क्या बोलेंगे आप? यूनिवर्सिटी तो मुसलमानों का गढ़ है जी। तो जैसे कि अभी जो यहाँ के मतलब मौजूदा जिन्होंने बीजेपी ने भी हैं जी, बीजेपी के भी हैं, साइकिल के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, तो अभी अलीगढ़ में जो है किन चीज़ों को ध्यान में रख के आप जो है वो वोट करने जाएंगे? यही चीज़ें जो उसने करी हैं अखिलेश ने, अखिलेश के लिए वोट जाएगा यहाँ का अलीगढ़ का। हाँ, लेकिन बीजेपी तो लगातार दावा ठोक रही है कि नहीं हमारी ही सरकार बनेगी। वो तो बेईमानी से जीत जाएंगे, बेईमानी से दोनों बार बेईमानी से जीते, ईमानदारी से नहीं जीत सकते। बेईमानी, बेईमानी कैसे होगी भैया? बेईमानी मशीनों में घोटाला कर देते हैं वो। अच्छा, पहले कभी ऐसा हुआ? पहला भी ऐसे ही हुआ था, डालने कहा कि मैं हाथी पे वोट जा रहा, कमल पे वोट। पहले आपने हाथी को वोट दिया? पहले हाथी को दिया था हमने। तो अब किसको देंगे? अब अखिलेश को देंगे, साइकिल चलेगी अब कितनी जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार यही है कि भाई ये गरीबों की कोई इज्जत वो कर नहीं रहे, काम धंधे सब बेकार गए, महंगाई दिन पे दिन बढ़ा दी इन्होंने, बताइए क्या करेगा गरीब। एक महिला और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आंटी, क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? महिला यूपी में है तो लगातार बीजेपी कह रही है हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है, महिलाएं सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित, ये बताओ? इंदिरा गांधी के जमाने से आपके मेनका गांधी 1 लाख ये आए हैं ये लोग, तो ये साइकिल पे ही वोट पड़ेगी हमारे, और कोई और किसी को नहीं डालेंगे वोट। यहाँ पर अलीगढ़ में महिला सुरक्षा है? नहीं है ऐसे। क्या मतलब क्या दिक्कत है आ रही है? दिक्कत ही ना, कोई डॉक्टर की यहाँ लेते भी ना, गरीबों की कोई सहायता भी ना जी। गरीबों की सहायता भी नहीं है, गरीब कमा में वो भी रोजी रोजगार से, महंगाई इतनी है, इतनी महंगाई कर दी है, 200 रुपए किलो कड़वा तेल है, कौन खा लेगा? तो भैया क्या होना चाहिए अभी, जैसे जिस किसी की भी सरकार अगर बनती है यूपी में तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ होना चाहिए अलीगढ़ में? रोजगार होना चाहिए सबसे पहली बात तो रोजगार होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए कि पढ़ाई का, शिक्षा का, बस और कुछ नहीं चाहिए, रोजगार होना चाहिए। रोजगार का मुद्दा रहेगा इस बार जी। एक महिला और हमारे साथ मौजूद है, आंटी क्या लगता है आपको इस बार अलीगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन है जो अलीगढ़ से जीतेगा इस बार? देखो क्या होता है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है? ज्यादातर मुझे तो मोदी की सरकार अच्छी लगती है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा। पर ये तो पब्लिक के हाथ में किसको क्या देती है वोट? लेकिन यहाँ की तो ज्यादातर मतलब सभी जनता जो है वो सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मैं तो मोदी की सरकार में, मेरी वोट जो जाएगी मोदी को जाएगी। क्यों जानी चाहिए? क्यों? मुझे अच्छी लगी इसकी सरकार, इसके लिए सबका साथ सबका विकास। लोग बात समझ ही ना रहे कि मोदी की सरकार कितनी अच्छी है, ना कोई उदम है ना वो है, आपस में एक दूसरे मेल मिलाप है, पर आपस में लोग बात पब्लिक के दिमाग में क्या है? तो मेरा दिमाग जो कहता है मोदी की सरकार बहुत अच्छी रही। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के राज नहीं, वो नहीं बांटते, ये लोगों ने भड़का दिया है, ये लोगों ने आपस में नेता लोगों ने भड़का दिया, ऐसा कुछ नहीं, मोदी कुछ नहीं करते, मोदी के खिलाफ जहर उबला जा रहा है। भाई मोदी की सरकार ज़्यादा अच्छी रही है, भाई हम तो आज भी गरीब है कल भी गरीब, हमारे बेचारे ना कुछ छीना ना हमें पता, हम तो आज भी काम करते हैं कल भी मेहनत करते हैं। उनकी जितनी योजनाएं चल रही है मोदी जी की, उनका फायदा आपको मिला है? हाँ, गेहूँ चावल मिल ही रहे सबको, हमें ही मिल रहा है। महिला सुरक्षा को लेके क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा बाकायदा जाते हैं, बेधड़क ना कोई कुछ कहता ना छेड़ता, जब हम अच्छे हैं तो सब अच्छे। तो यूपी में इस बार कौन आना चाहिए? भाई इस वक्त मैं कह नहीं सकती, ज़्यादातर अखिलेश का जोर उठ रहा है इस वक्त। अच्छा। अखिलेश का जोर रहा है। लेकिन आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो देखो अब मन में क्या है लोगों के, ज़्यादातर मैं तो यही चाह रही हूँ कि अच्छा एक बार और आ जाए उसकी सरकार, अभी तो किस्मत है भैया। अच्छा, मोदी की सरकार ने। महिला सुरक्षा को लेके आंटी ने बोला है कि मोदी सरकार आनी चाहिए, सब कुछ अच्छा हुआ है। मोदी सरकार तो आएगी जब मोदी सरकार के खिलाफ सबरे मुसलमान, सबरे मोदी खिलाफ हैं तो कैसे आ जाएगी? अच्छा, मुस्लिम ही क्यों खिलाफ है? मुस्लिम नो खिलाफ है कि सारे तो रोजगार बंद हैं, अब ये
ट्रिरी चला रहे हैं मजदूर आदमी, ये चलने नहीं दे रहे, ये भी चल रही है इसमें भी, जगह जगह पे डंडे लग रहे हैं, 1 लाख की गाड़ी आ रही है, कोई भी डंडा मार के चले जाता है, सब टूट जाती है ये। अच्छा। अब ये कमाने नहीं दे रहे तो कैसे कमाएगा बताओ। एक अंकल, अंकल क्या लगता है इस बार यूपी में कौन जीतने वाला है, चुनाव है? अखिलेश जीतेगा। अखिलेश जीतेंगे, क्यों जीतेंगे अंकल? ये झूठी पार्टी है, ये झूठे झूठे झूठेंगे, पार्टी झूठी है। कौन सी पार्टी झूठी है? ये बीजेपी की। बीजेपी झूठी है, क्यों? वादे करे कुछ नहीं करा, जनता को भूखे मार दिए। वो तो कहा है हमने यूपी में बहुत विकास किया है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर क्या है, राम मंदिर बना भी नहीं करा, मजदूर आदमियों की मिट्टी खराब है। हाँ, हम देखोगे तुम जैसी 7 बेटी है मुझ पे, कुछ काम नहीं बुला पाए, कौन मदद कर रहा है? अखिलेश करता है। तो क्या मुद्दा है अंकल इस बार? ये? मुद्दा क्या है? मुद्दा मुद्दा किस किस चीज को देखकर आप इस बार वोट करने? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। किसको वोट करेंगे फिर इस बार? हम तो अखिलेश को देंगे वोट। अखिलेश को दोगे? तो क्या होना चाहिए अगर अखिलेश की सरकार बनती है यूपी में, तो क्या कुछ विकास और है जो होना चाहिए अलीगढ़ में? अलीगढ़ वो करेगा, बहुत विकास करेगा। मेन चीज तो रोजगार है, जो हम मजदूरी कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, 7 बेटियां तुम जैसी हम पे। अभी एक भैया ने बोला है कि मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। हाँ हाँ हाँ, वो हिंदू हिंदू मुस्लिम कहाँ, जहाँ मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए। तो क्या कहना चाहिए? बूढ़े पैदा नहीं हुए हिंदुस्तान में, तो हम तो हिंदुस्तान में ही है ना, हिंदुस्तान के हैं। अलीगढ़ के बन्ना देवी नमाज ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं। मंगलवार का दिन है आज, और मंगलवार के दिन इस ग्राउंड में एक भरा हुआ बाजार लगता है। आप देख सकते हैं तमाम पीछे तक जो है ये बाजार पूरा भरा हुआ है। लेकिन बाजार में हम आए हैं, यहाँ पर दुकानदार भी हैं, जनता भी हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि यूपी का माहौल क्या है, और यूपी में जो है किसकी सरकार बन रही है, या किसकी तरफ जो है झुकाव देखने को मिल रहा है। आप तो जब इलेक्शन होते हैं मैडम, जब ही खुलेगा वोट, जब पता चलेगा निर्णय क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा। अभी तो स्वभाव यह है कि दोनों तो पल्ला भारी है, बीजेपी का भी अखिलेश का भी जी। और आने वाले बहुत बदलाव है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? दोनों में टक्कर रही है, समाजवादी पार्टी में बीजेपी में भी। अगर काम को देखें तो काम के हिसाब पे कौन सी पार्टी आनी चाहिए? काम के हिसाब से तो ये सारी नेता अच्छा करते हैं काम को, तो अब ये आने वाली पब्लिक बतलाएगी क्या होगा। तो अलीगढ़ में काम हुआ है? अलीगढ़ में भी काम हुआ है। अच्छा। विकास भी हुआ है, राशन पानी मिला है सबों को। अच्छा। और सब काम होते हैं जैसा होता है, जैसे लोग करते हैं, जो गुंजाइश होती है वो सब लोग करते हैं। और कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो उनकी पसंद क्या है या वो क्या चाह रहे हैं। भैया क्या लगता है आपको, यूपी में चुनाव है, अलीगढ़ में आज हम मौजूद हैं, नमाज ग्राउंड है, ये भीड़ भाड़ का इलाका है, क्या लगता है अलीगढ़ में इस बार कौन सी पार्टी जीत कराएगी? देखिए जीतने की बात है, जीतने के लिए तो सबको ही वोट, इस वक्त दोनों ही टक्कर है, बीजेपी को भी इस वक्त उम्मीदवार अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने संजीव राजा की वाइफ खड़ी हुई है इस बार जी, है ना, और सपा से हाँ मुक्ता राजा है ना, वैसे तो इन पे केस है संजीव राजा पे जी, और इस चक्कर में उनको वाइफ को सीट मिला है, लेकिन उनसे अच्छा कैंडिडेट भी बन सकता था जी। मेरी समझ से, क्योंकि उन्होंने इतना वो लोगों में मशगूल लगे, क्योंकि वो मेरे घर के पास ही रहते हैं, मैं रसगंज का निवासी हूँ और वो सरायकी के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो कभी आते हुए दिखते नहीं है। अच्छा। लेकिन वो दिखते हैं महीनों में 6 दिन, लेकिन काम होता है, बीजेपी काम करवाती है, लेकिन काम होते हैं वो उसी तरीके से जो ऊपर लेवल के काम होते हैं। अच्छा। लेकिन इस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन लोगों से नहीं जुड़ रहे। मेन चीज़ क्या है, जो हमारे कैंडिडेट है उनको लोगों से जुड़ना चाहिए, लेकिन ये लोगों से नहीं जुड़ते। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, अलीगढ़ में जो है जो यहाँ के उम्मीदवार है उनके चेहरे पर वोट दिया जाएगा या मोदी योगी के चेहरे पर दिया जाएगा? देखिए वोट तो मोदी और योगी पर दिया जा रहा है, इनके चेहरे तो इन्हें, क्योंकि ये काम तो करते नहीं है जी। जो पब्लिक जानती है वो मोदी और योगी को जानती है कि चलो राशन मिल रहा है सबको, इस टाइम पर राशन मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है राशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोग कहते थे कि यहाँ पर दंगे हो जाएंगे, फसल हो जाएंगे, अलीगढ़ जैसा शहर है, एमयू जैसे फैसिलिटी है, एमयू का भी जगह है, गढ़ है कि मुस्लिम है हिंदू वोट है, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुसलमान कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे साथ में मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू भी साथ रहते हैं, मुस्लिम भी साथ रहते हैं, ये तो केवल पॉलिटिक्स होती है जो कहती है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना है, लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पर भेदभाव है नहीं अलीगढ़ में जी। लेकिन बहुत सारे मुद्दे होते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ रहा था कि उसके लिए क्या नाम था वाइस चांसलर के ऊपर कोई बात हुई थी, तब बहुत सारे इशू हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है, बीजेपी को भी वोट मिलेगा, मिलेगा उसको भी वोट, लेकिन कैंडिडेट अच्छा नहीं है हमारे बीजेपी का इस टाइम। क्या कुछ मतलब काम है जो मौजूदा सरकार में नहीं हुए या होने चाहिए?
जो सरकार आएगी वो काम माशाल्लाह बहुत अच्छा करती है, फिर शुरू में तो अच्छा दिखता है, फिर बाद में काम ख़त्म होने लगता है। लेकिन हमारी यही है, जो भी जीते अच्छा काम करे, जनता को जो परेशानी है वो नहीं हो, और सब यही चाहते हैं, सब मिलजुल के रहें, कोई लड़ाई झगड़े ना हो। क्या परेशानियां हैं जनता की? परेशानी यही गड्ढे नाले हैं बड़े बड़े, वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, बहुत भीड़ भक्कड़ ज़्यादा हो रही है, वो उसमें थोड़ा बदलाव आए और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम भी चल रहा है। हम रसगंज में रहते, मैं रसगंज में रहता हूँ, मैंने बहुत शिकायतें करी पुलिस वालों से, हमारी तरफ सलूशन बिकता है, हमारी तरफ सलूशन बेचा जाता है, ठीक है। मैंने पुलिस वालों से भी कहा था एक बार कि ऐसे ऐसे सलूशन बिकता है, लेकिन वो कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। संजीव राजो को भी पता है, सब चीज़ों को पता है, लेकिन क्या है, वो हिंदू वोट बैंक के चक्कर में क्या करते हैं, इशू नहीं उठा पाते हैं। जबकि सलूशन की महामारी सबसे ज़्यादा है हमारे रसगंज के अंदर, सबसे ज़्यादा नशेड़ी हमारी गली के अंदर बैठते हैं, बहुत ऑब्जेक्शन उठाया है लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। अभी बीच में अभी एक हमारे ताईजी के घर में घुस गया था एक लड़का नशे में, अब वो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा दी सरकार, वो कहते हैं सरकार में सॉल्यूशन छोड़ देते हैं बस। पिछली सरकार में सॉल्यूशन नहीं मिला तो क्या लगता है बदलाव देखने सरकार में भी नहीं, पिछली सरकार में भी नहीं मिला ना, अब भी मिला और ना आने वाले वक्त में मिलना है हमको। आने वाले वक्त की तो खैर बात बाद में तय करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे आपने बताया कि जो पिछली सरकारें थी उसमें सॉल्यूशन नहीं मिला, तो बदलाव देखने को मिलेगा कि आगे चल के अगर बदलाव करें तो सॉल्यूशन मिले? हाँ, अगर कैंडिडेट चेंज हो जाता तो शायद बदलाव देखने को मिलता, क्योंकि वो सुनते नहीं किसी की। अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये है। आपके हिसाब से क्या है, मतलब वोट बीजेपी को ही जाएगा? नहीं, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, कैंडिडेट अगर अच्छा होगा तो वह जाएगा, वरना नोटा पे जाएगा। नोटा भी ऑप्शन है हमारे पास, नहीं देना किसी को वोट, नोटा भी ऑप्शन है। कांग्रेस ने भी जो है युवाओं के लिए निकाला है भर्ती विधान, उन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाला था जिसमें उन्होंने 20 लाख नौकरी देने की गारंटी दी है सरकारी युवाओं को, लेकिन दी नहीं है, वादा किया है अगर उनकी सरकार बनती है तो देंगी। हाँ, तो वादा तो अभी अखिलेश ने भी कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या कर देंगे कि बिजली को माफ कर देंगे, 200 यूनिट बिल फ्री हो जाएगा। अब ये 200 यूनिट फ्री पर हम अगर अखिलेश को वोट दें तो फिर अगर वोट बैंक तो फिर वही रहेगा कि आप हमें कुछ दे रहे हैं तभी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन काम भी तो करना चाहिए। चलो 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, लेकिन कोई स्कैम करके वो 200 यूनिट का पैसे भी निकाल सकते हैं। 300 यूनिट देने की तो आम आदमी पार्टी भी बात कर रही है यूपी में। आम आदमी की तो यार यहाँ पे इतनी चर्चा नहीं है, तो आम आदमी को इतना कोई नहीं जानता यहाँ पर। बेसिकली जो है मेन जो लड़ाई है वो बीजेपी और सपा में रहेगी मेन। अंकल, यूपी में चुनाव है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आ सकती है? पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी यहाँ कर आकर के बात थोड़ा सुनी। निवास ग्रांड बहुत बड़ा लगता है और गरीब जनता ही लगाती है, जितने फर्जी लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल के लिए। मैं चुनाव के बारे में बात करना चाहता हूँ बेटी, कि सबसे पहले कानून पर व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आप घूम रही हो, हमारी बेटियाँ घूमती हैं, उनको कोई परेशानी ना आनी चाहिए, कानून का पालन जरूर जाना होना चाहिए। क्यों कि ऐसा वो होना चाहिए मुख्यमंत्री जो अधिकारी के लिए टाट करके रखे। अभी मतलब है सुरक्षा महिलाओं के लिए? कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा होती तो फिर क्या चिंता है किसी की। मतलब बदलाव होगा महिला सुरक्षा के? बदलाव होगा, महिला ही आएगी मुख्यमंत्री बनेगी अब के। अच्छा, देश की। हाँ, अच्छा, शेर नहीं आएगी जी, शेर नहीं, मतलब कहना चाह रहे हैं कि मायावती जी बिल्कुल आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है उसे, पांचवी बार मुख्यमंत्री बन के रहेगी अब के। तो क्या मुद्दे रहेंगे अंकल, क्या कहते हैं? मुद्दे ये रहेंगे, सबसे पहले तो कानून पे व्यवस्था रहेगी, जो गरीबों के लिए, जो बेरोजगारी है उनके लिए सुरक्षा रहेगी, जो हमारे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे जवान बच्चे स्टूडेंट वो परेशान हैं, लट खा रहे हैं इस सरकार में, उनके लिए सुरक्षा रहेगी सबसे ज़्यादा, उनकी देखभाल रखनी जाएगी, उनके लिए काम मिलेगा, आपके काम पे ही ध्यान रहेगा सारा। फिर जो जितना करेगी जो मुख्यमंत्री, काम पे ही ध्यान रखेगी, बेरोजगार बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, बेरोजगार है सबसे ज़्यादा, गरीब आदमी बहुत परेशान है, अतिथि बेहद धंधे में, रोजगार में, हर काम में, कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी आ सकते हो, कानून का पालन वही सरकार कर सकती है जो मायावती बहन है। जो अलीगढ़ में क्या कुछ हैं अंकल मुद्दे जो पूरे होने चाहिए, जो नहीं हुए भी मौजूदा सरकार में? अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा तो गंदगी का सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है, और ट्रैफिक बहुत जाम रहता है अलीगढ़ में, क्यों कि सेठों लोगों की तो गाड़ी खड़ी रहती है रोड पे, गरीब में लट पड़ता है, हटाओ हटाओ हटाओ, ये सबसे ज़्यादा अलीगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा जाम की समस्या ज़्यादा है, और मास कहते किल्लाते रहते हैं, मास कौन लगाएगा, मास नहीं लगा पाता, जो गरीब लगा रहा है मास। यहाँ भी हमने देखा कि ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया, नहीं लगाते, गरीब कहाँ लगाएगा, गरीब काम करेगा का मास्क लगाएगा, हैं गद्दी पे बैठे सेठ को तो मास्क लगाते ही नहीं है, औरों को कहते मास्क लगाओ, मास्क लगवाना है तो फ्री दे दीजिए, गरीब को खुद लगा लेगा कौन? लेकिन मास्क तो अंकल खुद की सुरक्षा के लिए है ना? सुरक्षा है तो हम काय के लिए, करोड़ों रुपया हमारे पास रखा है, सरकार से पैसा मिलता है मास्क लगाने के लिए, कौन ही बांटते हैं ये सरकारी आदमी,
अस्पतालों में ड्यूटी दे रहे हैं, है 500 आदमी तनख्वाह खा रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, 150 क्यों खा रहे हैं बताइए बेटा? आप काम के लिए जा रही हो, है ही नहीं है साहब, माँ है ही नहीं है, बच्चा जच्चा है पड़ा है सड़क पे, वो कह रहे है ही नहीं है डॉक्टर। तो अब क्या अंकल क्या लग रहा है अलीगढ़ में जो है कौन सी पार्टी जीत कराएगी? बता दी बेटा हमने, बार बार हाथी जीतेगा, हाथी 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 किसी पर नहीं रुकने वाला, कोई कितनी भी ताकत लगा ले। वो अगर हाथी जीत, हमारी शहर की शान रजनिया खान और कोल में भी है हाथी। अलीगढ़ के मदार गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे पीछे एक दुकान है जिसका नाम है ओम श्री श्याम ट्रेडर्स, इसी के साथ ही एक कचौड़ी की दुकान है। ये दुकान इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ की मशहूर अलीगढ़ की मशहूर कही जाती है कचौड़ी। ये कचौड़ी आम कचौड़ियों की तरह नहीं होती है, जैसे कि आपने खाई होगी, फूली हुई होती है और थोड़ी मुलायम होती है, लेकिन इस कचौड़ी की अलग ही खासियत है। ये मुलायम भी नहीं होती है, कड़क होती है और फूली हुई भी नहीं होती है, बिल्कुल भुरभुरी टाइप की होती है, इसीलिए अलीगढ़ में इसे फेमस कहा जाता है। दरअसल इस कचौड़ी को या कहें कि इस स्वादिष्ट चीज़ को दिखाने का एकमात्र मकसद मेरा यही है क्योंकि इसी कचौड़ी की तरह इस वक्त अलीगढ़ की चुनावी माहौल भी बिल्कुल इसी तरीके से हो गया है। चुनाव आने वाले हैं तो माहौल एकदम कड़क हो चुका है और राजनीतिक बयानबाजी लगातार है, तो राजनीतिक बयानबाजी भी इस टाइम भुरभुरी चल रही है। तो इसी के साथ हमारे साथ दुकान के ओनर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि जो अलीगढ़ का चुनावी माहौल है, उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है, वो बिल्कुल इसी कचौड़ी की तरह है या नहीं। क्या लग रहा है यूपी का चुनावी माहौल क्या चल रहा है इस समय? खूब अच्छा चल रहा है, खूब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी इस बार? योगी सरकार। योगी क्यों आनी चाहिए? योगी बहुत विकास किया है, विकास करते रहेंगे वो। अच्छा, क्या कुछ काम हुए हैं अलीगढ़ में? नहीं, बहुत कुछ हुआ अलीगढ़ में, बहुत नाले सड़कें और गरीबों के लिए मकान बनवाए और उन्होंने खूब अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाएँ सब कुछ अच्छा किया। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि जो बाकी पार्टियाँ हैं उन सभी ने जो है मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, बीजेपी ने जो है वो एक हिंदू प्रत्याशी अलीगढ़ में उतारा है, क्या लगता है किला भेद पाएंगे? अब ये तो अपना अपना सभी का वो है, जो जीतेगा वही सिकंदर है। आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए? जीतना तो चाहिए अपना संजीव राय अलीगढ़ से कैंडिडेट जो है। अच्छा, इस बार उनको नहीं, उनकी वाइफ को टिकट दिया गया है, मुक्ता राजा को। जी जी जी, तो वो जीतेंगे इस बार? कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, जफर आलम और मुक्ता राजा दोनों में अच्छी टक्कर रही। अच्छा, तो आप मतलब कचौड़ी की दुकान के ओनर हैं, तो लगता है ना कि कचौड़ी की तरह ही इस वक्त का माहौल जी 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 खूब अच्छे से चल रहा है माहौल, बिल्कुल चटपटा है इस टाइम बयानबाजी। जी जी, खूब अच्छे से जफर आलम मुख्तर आया दोनों में जी। तो कुछ एक अंकल और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, क्या लग रहा है इस बार यूपी में कौन आएगा? 2-3 की टक्कर चल रही है यहाँ तो जी। आपको क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल दोनों ही तरफ है। अच्छा, दोनों तरफ है। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? अब आने को तो यह है, जो आए काम सही जो करें वही आए। अच्छा, तो मतलब मौजूदा सरकार ने काम अच्छे नहीं किए हैं? कुछ काम सही किए हैं तो कुछ गलत भी हैं। गलत भी किए हैं? हाँ। गलत जैसे? कुछ बहुत से गलत काम हैं, जैसे महंगाई इस पर नियंत्रण नहीं करना जी, और बाकी सही काम भी किए उन्होंने। तो मतलब अलीगढ़ में बदलाव देखने को मिलेगा इस बार कुछ? हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है, लग रहा है बदलाव देखने को। हाँ, बदलाव। आपके हिसाब से क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार अलीगढ़ के? अलीगढ़ के मुद्दे वही हैं कि ना सफाई हो पाती है और ना ही कोई मतलब काम धंधे हैं ऐसे कोई खास, यही मुद्दे हैं बस और कोई। अच्छा, एक भैया और है शायद, वो कचौड़ी खाने आए हैं। भैया कचौड़ी खाने आए हैं? जी नहीं, कचौड़ी खाने आए हैं? नहीं, दुकान है। अच्छा, दुकान है। तो आपको क्या लगता है मतलब इस बार यूपी में क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जी योगी जी आने चाहिए। योगी जी आने चाहिए? क्यों आने चाहिए भाई? योगी जी इसलिए आने चाहिए क्योंकि योगी जी ने बहुत गुंडागर्दी खत्म कर दी है और अब लोग, अब हमारी बहन बेटियाँ आराम से घूम रही हैं जी। तो इसलिए तो वो ही आने चाहिए और मैं तो उनको ही वोट दूंगा। लेकिन अलीगढ़ की ज्यादातर जनता कह रही है कि वो बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत फहमी है, ये तो आप अपने बढ़वाने की बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि योगी जी ही आए तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, आपके एरिया में काम किए हैं मतलब? हाँ जी, और फिर मेरे यहाँ करीब 70-75 वोट हैं और सब योगी को ही जाएंगे। तो मतलब बदलाव नहीं, मौजूदा सरकार ही रहेगी? बिल्कुल।
यही रहनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ लाइफ टाइम तक सरकार यही रहे। कचौड़ी बना रहे हैं जी मैम, क्या कुछ डलता है इसमें? जी सर मैम, आटा होता है इसमें, देसी आटा। अच्छा। सौंफ पड़ती है इसमें, तो दाल। क्या लगता है आपको इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी इस बार कचौड़ी खाने आएगी? आने तो चाहिए हमारे योगी जी, आने चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है अलीगढ़ के लिए। अच्छा। ये गरीब गरीब जो था वो खुश है, भले ही महंगाई हो पर वो खुश है। गुंडागर्दी से उसकी आवाज़ सुनी जा रही है, चौकी थाने में सुना जा रहा है उनको। पहले कुछ नहीं होता था, अब योगी सरकार आनी चाहिए हमारी दया से। तो मतलब बीजेपी जीतेगी और कचौड़ी की दावत वही देगी? देगी 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 बिल्कुल। अलीगढ़ की जनता की राय उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या है, ये आप इस वीडियो में सुन ही चुके हैं। जहां एक तरफ बीजेपी को वोट देने की बात बीजेपी समर्थक उनके विकास को देखकर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर मुस्लिम वोटरों की अगर हम बात करें तो वो सपा का समर्थक करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार रोज़गार देगी, जो सरकार बेरोज़गारी ख़त्म करेगी, हम उसी को ही वोट देंगे। ये तो थी अलीगढ़ की जनता की राय। इसी के साथ ही अलीगढ़ बहुत सी जगहों के लिए मशहूर है, ये भी आपको पता है। अलीगढ़ मिठाइयों के लिए मशहूर है, अलीगढ़ तालों के लिए मशहूर है, अलीगढ़ अपनी स्पेशल कचौड़ी के लिए मशहूर है। कचौड़ी वाले के पास हम गए, हमने उनसे बात करी कि आखिर उनकी जो कचौड़ी का स्वाद है क्या वैसा ही स्वाद इस वक्त राजनीति में भी चल रहा है, तो उन्होंने क्या अपनी राय रखी, ये भी आप सुन चुके हैं। इसी के साथ ही मिठाइयों की जो दुकान है उन पे जब, हालांकि कैमरे पे किसी ने बोला नहीं है, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जैसी मिठाइयां हैं अलीगढ़ की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी थोड़ी खट्टी मीठी तो चलती ही रहती है। अलीगढ़ में जीत दर्ज करने के लिए चार पार्टियां में से तीन पार्टियों ने जो है इस बार मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन बीजेपी ने जो अलीगढ़ में है इस बार हिंदू महिला पे अपना दाव खेला है। बीजेपी ने अलीगढ़ से जो है मुक्ता राज को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने सलमान इम्तियाज को टिकट दिया है। और अगर हम बसपा की बात करें तो उन्होंने रजिया खान एक महिला को इस सीट से उतारा है, और अगर सपा की बात की जाए तो सपा ने अलीगढ़ से जफर आलम को पर इस बार अपना दाव खेला है। लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि अलीगढ़ में कौन सी पार्टी जो है इस बार जीत दर्ज करती है, या मौजूदा सरकार जो है वो फिर से एक बार आएगी, या फिर अलीगढ़ में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अलीगढ़ की जनता से जब हमने बात की तो मिलीजुली राय जो है सामने आई। साफ तौर पर यहाँ पर हम 50-50 का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मिलीजुली बिल्कुल लोगों की राय यहाँ पर हमें देखने को मिली। खैर, जब 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, 7 मार्च को जो है मतदान ख़त्म हो जाएंगे, 10 मार्च को मतगणना होगी, मतगणना के बाद ही नतीजे सामने आएंगे और पता चलेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या इस बार जो जनता ने जिस बदलाव की बात की है, क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर जो मौजूदा सरकार है वो एक बार फिर अपना ताज बचा पाती है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़ अलीगढ़। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।